अरे ये तुम लोगों को क्या हुआ? अच्छा अच्छा पढ़ाई हो रही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पैर नीचे। क्या मम्मी ने आज सफाई की है? देखेगी तो मारा हो जाएगी। खाना तैयार है। क्या ये सब क्या हो रहा है? ये खाने की घंटी है, चलो चलो। खाने की घंटी? हाथ धो लिए। हाँ मम्मी ये देखो। मैंने भी धो लिए। आज घर काफी बदला बदला लग रहा है। और फिर बच्चों ने पढ़ाई, इन बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी, और फिर ये साफ सफाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैंने अकेले कुछ नहीं किया, हम सब ने मिलकर इस घर को सुधारा है। ये बच्चे समझदार हैं और बहादुर भी। जानते हो आज इन्होंने मेरी जान भी बचाई है। जान भी बचाई? हाँ बाबा, आज यहाँ कुछ गुंडे घुस आए थे, वो मम्मी को उठा कर ले जाना चाहते थे। क्या? अगर आज ये मेरी मदद ना करते तो ना जाने क्या हो जाता। फिर हीरा मोती और नाटी भी तो थे हमारे साथ। हीरा ने तो वो मारा उन्हें कि सबके सब दुम दबा के भाग गए। लेकिन कौन थे वो लोग? पता नहीं, कह रहे थे कि मुझे ले जाएंगे तो उन्हें 50,000 रुपए मिल जाएंगे। 50,000? हाँ। कौन हो सकते हैं वो? वो जो कोई भी हो, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया कि मैं तुम्हें हर चीज साफ साफ बता दूं। मैंने तुमसे कुछ झूठ बोले और कुछ बातें छुपाई है। जो मैं आज तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, इन बच्चों ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं जानती हूँ तुम रातों को किसी क्लब में नहीं जाते, बल्कि मार्केट में सामान डिलीवर करने जाते हो। नहीं नहीं ये बात नहीं है, मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ, तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? तो कहो ना। देखो रानी, मैंने पापा, तुम्हें प्लीज पापा। क्या बात है? भूख भी कितनी जोर से लगी और खाना भी कितना अच्छा बनाया है। हाँ हाँ बहुत अच्छा बनाया है और कितना टेस्टी है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। लेकिन तुम कुछ कह रहे थे। मैं कुछ कह रहा था? हाँ। अरे हाँ यही कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, खाओ। ये जीभ कितनी गंदी है, कोई तो साफ नहीं करता। बारिश के दिनों में अपने आप ही धुल जाती है। अच्छा गाड़ी साफ करने का कपड़ा कहाँ है? बीच वाली सीट के नीचे। ये कपड़े किसके हैं? का मतलब राजा? ये क्या है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या है। अच्छा ये कपड़े तुम्हारे हैं? नहीं ये मेरे कपड़े नहीं है। सच सच बताओ ये कपड़े तुम्हारी जीपे कैसे आए? रानी ये कपड़े तुम्हारे हैं? नहीं देखो मुझे कोई कहानी बनाकर मत सुनाना। I want the truth। तुम इतनी सी बात को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? इतनी सी बात? किसी दूसरी लड़की के कपड़े तुम्हारी जीप में है और तुम कहते हो इतनी सी बात? देखो रानी मुझसे बहस मत करो, वैसे भी आज मुझे काम पर जल्दी जाना है, हटो मेरे रास्ते से। पहले तुम्हें मेरी बात का जवाब देना होगा, ये मेरे घर का मेरी जिंदगी का सवाल है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, घर में बीवी होते हुए दूसरी लड़कियों के साथ। हाँ घूमता दूसरी लड़कियों के साथ, क्या करोगी तुम? मैं इस बात पर तलाक भी ले सकती हूँ। क्या तलाक? हाँ तलाक। तलाक तो तुम तब लोगी जब तुम शादी करोगी। अच्छा वो तुमने ये बात छेड़ी, मैं तो तुमसे खुद कहना चाहता था कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, जिसने इतने साल तुम्हारे साथ गुजार दिए, इस घर को संवारा, बच्चों को पाला, और तुम इस लड़की के लिए मुझे भी भूल गए। कल ये भी कहोगे कि ये बच्चे भी मेरे नहीं है। हाँ, ये बच्चे भी तुम्हारे नहीं है। तुम इतना गिर जाओगे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अब तुम मुझसे मेरे बच्चे भी छीन लेना चाहते हो। ये बच्चे तुम्हारे नहीं है, यकीन नहीं आता तो खुद चलकर पूछ लो, आओ मेरे साथ। सुनो इधर आओ तुम लोग। अच्छा अब जो भी मैं तुमसे पूछूं उसका ठीक ठीक जवाब देना। ये कौन है? मम्मी। मम्मी नहीं, जो मैंने तुमको बोलने को कहा था वो मत बोलो। सच सच बताओ ये कौन है? ये मम्मी है। ये तुम्हारी मम्मी नहीं है?
डब्बू तू ही बता हम इसे कैसे लाए थे। मम्मी बोटिंग के लिए गई थी, वापस नहीं आई, इसलिए हमें बहुत फिक्र हो गई थी। मैं तो 3 दिन तक न खा सका न सो सका। ये तो अच्छा हुआ मम्मी को मच्छरों ने बचा लिया, नहीं तो ये सब क्या हो रहा है? ये क्या नाटक है? अगर तुम झूठ बोले तो मैं क्या करोगे? तुम ये मेरे बच्चे हैं और इन्हें इस तरह डांटने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मेरा इन पर कोई हक नहीं है? हाँ, अपनी गलती छुपाने के लिए तुम इनको। चूचू मैं उसे पूछती हूँ। क्या हो गया तुम लोगों को? ये कब से तुम्हारी मम्मी बन गई है? चूचू मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे दोस्त का चाल चलन कैसा है? किसका? राजा का? एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत शरीफ है बेचारा। तो फिर ये कपड़े किसके हैं? मुझे राजा की जीप से मिले हैं, एक दूसरी लड़की के कपड़े उसके जीप में हो, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या मतलब है? मेरा मतलब है ये कपड़े मेरे हैं। तुम्हारे? नहीं नहीं, मेरी एक मॉडल के, एक एड के लिए कुछ फोटो लेने थे और कंपनी वालों ने ये कपड़े दिए थे और इत्तेफाक से उस दिन राजा की जीप मेरे पास थी, ये कपड़े उसी में रह गए। तुम सच कह रहे हो चूचू? एकदम सच। अच्छा तो ये लो फिर कपड़े। तुम जानते नहीं चूचू तुमने मेरी कितनी बड़ी गलतफहमी दूर कर दी। मैं जानती थी राजा ऐसा नहीं हो सकता। थैंक यू चूचू। अच्छा मैं चाय लाती हूँ। अब तूने कौन सी आफत खड़ी कर दी है यहाँ पे? आफत नहीं, एक कहानी बना के तुझे साफ बचा लिया है। अब इन बातों से कोई फायदा नहीं चूचू, रानी को उसके घर पहुंचाना पड़ेगा। ये तुझे क्या हो गया? उस दिन तो तू कह रहा था तुझे इसकी आदत सी पड़ती जा रही है। कुछ गुंडों ने रानी को पहचान लिया है, आज वो आए थे, कल कोई दूसरा आएगा। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं रानी को उसके घर पहुंचा दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, रेनू जिंदा है और तुम लोगों ने अपनी गिद्ध जैसी तेज नजरों से उसे देखते ही पहचान लिया। हाँ सेठ जी, यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर पर एक फार्म हाउस है, वही है वो। फार्म हाउस पर है? वाह, हम तो उसे ले आते सेठ, लेकिन उसके 3 बच्चे वहां पर आ गए। 3 बच्चे मैडम के? मरकुटे ये तो कह रहे हैं कि रेनू के 3 बच्चे हैं। इन्हें तू कहां से पकड़ कर लाया है? मैं नहीं सेठ जी, ये लोग मुझे पकड़ के ले आए हैं। अच्छा जाओ भाई जाओ, तुम लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जब रेनू बेटी ने शादी नहीं की तो उसके 3 बच्चे कहां से पैदा हो गए? लेकिन उसकी शक्ल बिल्कुल उन तस्वीरों से मिलती है जो अखबार में छपी है। मिलती होगी लेकिन वो कोई और होगी। अभी तुम लोग जाओ यहां से, मरकुटे बाहर निकालो इनको, बाहर जाओ यहां से, जाओ यहां से। आ जाते पैसे बटोरने के लिए। अरे 50,000 तो क्या, 5 पैसे किसी फकीर को नहीं दिए सेठ जी ने, तुमको देंगे। चलो चलो जाओ। अरे चलो हिलो, 50,000 लेने आ गए। भिखारी हम लोग यहाँ पर आए यार। यार मार भी खाई और माल भी हाथ में लगा। सेठ जी हो सकता है वो लड़की अपनी मैडम ही हो, एक बार हम लोगों को चल के देख तो लेना चाहिए। अबे मरकुटे चूहे की तरह मेरा भेजा मत कुतर। कहां से मिल जाएगी तेरी मैडम? ऐसी मिल जाएगी जो मर चुकी है, वो कहां से मिल जाएगी? मर चुकी? कहीं आपने तो? और कोई रास्ता भी नहीं था मरकुटे, कर्जे वाले सर पे चढ़े बैठे थे। लेकिन सुन तू ये बात किसी को बताना नहीं, पुलिस को भी नहीं। पागल हो गया क्या? मुझे फांसी लगवाएगा वो, तेरी बहन का क्या होगा, आ जाएगी बेचारी। रानी को यहाँ पे छोड़ना ठीक नहीं है, ये लोग तो उसे मार देना चाहते थे, तो क्या करें? कुछ भी हो सेठ जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। मैं तो चुप रह जाऊंगा लेकिन ऊपर वाला चुप नहीं रहेगा। नीचे वाले चुप रहेंगे तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं बोलेगा, समझा? बोलो समझा। क्या बात है, तुम इतने चुप चुप क्यों हो? बताते क्यों नहीं मुझे, यहाँ क्यों लाए? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए डायमंड रिंग का ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन सुनार कहता कि आज तैयार नहीं, कल आके लेके जाओ। कल कैसे आके लेके जाऊं? बर्थडे तो तुम्हारा आज है। मेरा बर्थडे आज? और तुम लोग मम्मी मम्मी करते रहते हो और मम्मी का बर्थडे याद नहीं है? अरे हाँ, आज ही तो है मम्मी का बर्थडे, कल रात मुझे याद था पर आज मैं भूल गया। हैप्पी बर्थडे मम्मी। हैप्पी बर्थडे। मम्मी को अच्छी सी गिफ्ट देंगे। हाँ हाँ, लेकिन क्या देंगे? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन? हाँ, हमारे कपड़े धो धो कर मम्मी के हाथ सूज जाते हैं। अबे वॉशिंग मशीन मालूम कितने की होती है? ये कोई 8,000 की? 8,000? अरे आजकल इजी इंस्टॉलमेंट में मिल जाती है। यस सर। ओके सर। अरे सुनिए, ये ट्रैफिक क्यों जाम है? लैंडस्लाइड हो गया है, बारिश की वजह से सड़क पर कई पेड़ और पत्थर आ गए हैं। कब तक कैसे रहेगा? सुबह तक कोई चांस नहीं। अब तो पीछे भी नहीं जा सकते, गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन है। अब क्या करेंगे? लगता है गाड़ी में ही रात गुजारनी पड़ेगी। ओह।
नुकसान हो गया? सब कुछ बर्बाद हो गया, फसल पोल्ट्री कुछ भी तो नहीं बचा। और फिर उसके ऊपर से गवर्नमेंट का 60,000 का लोन। सब ठीक हो जाएगा, हम सब मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, नई फसल लगाएंगे। नहीं रानी, अब इस जमीन पर 6 महीने तक कुछ नहीं देगा, और वैसे भी इस फसल का वक्त गुजर गया है। तुम जाओ, बच्चे तुम्हारे बगैर नहीं सोएंगे। चलो बेटे सो जाओ, बहुत देर हो गई। मम्मी आज नींद नहीं आ रही, बारिश में बहुत नुकसान हो गया ना, अब क्या होगा मम्मी? तुम क्यों फिक्र करते हो, मैं हूँ, पापा हैं, और फिर तुम सब हमारे साथ हो, कुछ न कुछ कर लेंगे। चलो सो जाओ।